बड़वानी शहर के बाईपास रोड पर वाहनों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड प्रीतम आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग वाहनों से अवैध तरीके से वसूली में लिप्त हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया था, जबकि 5 लोग फरार हो गए थे, जिसके बाद आज पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि बाकी 4 की तलाश जारी है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। अवैध वसूली मामले में एक और आरोपी हिरासत में है, क्या है? ये जैसा कि आपको सभी को विदित है कि अभी कुछ दिन पूर्व जो है एक पशु की गाड़ी जा रही थी, उसमें से बड़वानी के कुछ बदमाश किस्म के लोग अवैध वसूली करते हुए नाम सामने आए थे, जिस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था। और उसी मामले में जो है प्रीतम कलोसिया जो बड़वानी का है, ये उसमें मुख्य मास्टरमाइंड था, जो सभी को ले जाकर वहाँ वसूली करवाता था। तो इसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके इसको जो है न्यायालय पेश किया जाएगा। सर, अभी तक कितने आरोपी हिरासत में हो गए और कितने फरार हैं? अभी इसमें जो मुख्य आरोपी हैं, जो ये प्रीतम कलोसिया और इसका एक दोस्त सागर, ये दोनों ही अरेस्ट हो चुके हैं, और इसके अन्य जो 4-5 साथी हैं वो उनकी पुलिस तलाश कर रही है। ये लोग छिपे हुए हैं, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और ये जल्दी ही गिरफ्तार होंगे। सर, कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज होगा? ये जो है अवैध वसूली के कारण इनके खिलाफ धारा मारपीट भी की थी इन्होंने, अवैध वसूली मारपीट, धारा 327 और 384 IPC, धारा 506। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।